इस 7th एडिशन में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। 48 सेंटर में बैठे हुए हमारी सभी टीम प्लेयर्स, टीम लीडर्स सभी को मैं आज की हैकाथॉन में स्वागत करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2017 से स्मार्ट इंडिया हैकाथन की परिकल्पना होती है। देश की नई पीढ़ी की उन्नत विचार को देश की विकास के काम पे जोड़ने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी निरंतर उसको लीड कर रहे हैं। आज हम सभी की सौभाग्य है उसी की 7th एडिशन में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए हैं। इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो चैलेंज हो रही है उसमें 2,67,000 पार्टिसिपेंट हैं। मित्रों, इस हैकाथॉन की अगर थोड़ी सी इतिहास रखा जाए, 2017 में 7,531 टीम बने थे, आज उसकी 6 गुना वृद्धि होके 6 times ग्रोथ होके 44,617 टीम बने हैं। 51,000 आइडिया, यही तो उद्देश्य हैकाथॉन की। देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 51,000 नए आइडियाज की आज प्रतियोगिता होगी। आने वाले कुछ दिन तक इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य है भारत को विकसित करना। 2047 तक भारत को विकसित बना के हम सब रहेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस आह्वान को दिए हम लोगों के सामने, हम उस सभी लोग आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 सालों के बाद अमल में आई है। उसी के तहत देश में आज कई नई ऊंचाई हम छू रहे हैं। विश्व के हम 5 नंबर की बड़े अर्थनीति बने हैं। विश्व की सबसे ज्यादा नौजवानों की देश भारत है। भारत की नियति में आने वाले 2-3 साल के अंदर और एक लंबी छलांग लगा के हम विश्व की 3 नंबर इकोनॉमी बनने वाले हैं। मित्रों, हम अपने ही लिए ही जीते हैं, विश्व के लिए जीतने जीने वाले ये देश आने वाले दिनों में अपने उद्यमिता के आधार पे, अपने इनोवेशन के आधार पे, अपने नया व्यवसायिक दृष्टिकोण को दिखाते हुए, जब कुछ साल पहले हमारे पास कुछ चंद स्टार्टअप्स थे, आज लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की हमारी सफल नेतृत्व के कारण, मार्गदर्शन के कारण ये हो पाई है। मैं आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री समेत सभी अभ्यर्थियों को स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विनती भी क्या करता हूं, इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ऊपर एक छोटी सी फिल्म स्क्रीनिंग कराने के लिए। Innovations in technological advancements are the cornerstones of any developed nation. Realizing the importance of scientific breakthroughs, India, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken a quantum leap in the area of space exploration, pharmaceuticals, defense technology, and more. In the past few years, the Modi government has encouraged young minds of India to transform their innovative thoughts and ideas into sustainable solutions to realize the dream of Viksit Bharat at 2047. Smart India Hackathon is one such initiative that was designed to give the youth of India a platform where they can give wings to their vision. Through its 36-hour software edition and 5 days hardware edition, the platform has harnessed the power of young scientific minds and has improved the lives of common people through innovations. 2017 में जब से ये अभियान हमने शुरू किया है, तब से इसका निरंतर विस्तार होता रहा है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन जस्ट 6 years, the Smart India Hackathon has witnessed a 7-fold increase in the submission of ideas.
There has been exponential growth in the number of participating teams and ministries. Today, the hackathon has grown into the world's largest open innovation model and promotes ideation and entrepreneurship through the use of science and technology. Let us hear some success stories where these innovations from one part of the country have changed the lives of people living across the country. मैंने स्मार्ट हैकाथॉन अटेंड किया। ऐसा प्रोग्राम इन फ्यूचर आगे में और होते रहने से हम जैसे छात्रों को नॉर्थ ईस्ट में और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। One such hackathon that I participated in 2019 was Smart India Hackathon. That is where I came to know the importance of how crowdsourcing innovation could lead to the new technologies that are coming up in different domains. We came up with this entire platform that helps millions of developers and organizations to come together and come up with the best of the solution. I was able to develop this product which can save surgery time by approximately 40%, and it is used for removing tumors and performing surgeries on blood vessels, and we are also going to start export from the next year. We are very grateful to the SIH organizers and the AICT organization. This innovative instrument which can perform four actions together: holding the tissue, dissection of the surgery, sealing the tissue and sealing the blood vessels to control the bleeding, and then cutting. This actually helps the surgeon by reducing the operating time. We have developed a sustainable damp-proof bricks which is made entirely from 100% recycled waste material. With our solution, we are trying to solve two major problems of our country. One is of the single-use plastic waste and industrial waste, and second, the carbon emitting brick industry. Today we have delivered our products from Chennai to Srinagar. Thinking about innovation and startup is challenging, and that if you are a student, but SIH made that possible. Hum ek Chhattisgarh resort bana rahe hain, uske andar hame sewage ki thodi si kuch issue aa rahi thi. 200 bathrooms ke andar ye bricks lagayi hai jiske andar sewage zero issue hai. Electromotion is a technology company which develops cutting edge technologies in the field of smart mobility. Our USP is we convert the existing petrol and diesel auto rickshaws into an EV in just 2 hours. We have a mission to attain zero tailpipe emissions. Smart India Hackathon is the biggest foundation stone for the startup ecosystem in India, and it opens door for future opportunities as well. Pehle main petrol ka gaadi chalata tha, main abhi electronic gaadi bita raha hu. Abhi electronic gaadi mein income hai. Smart India Hackathon 2023 will continue the legacy of providing young students the opportunity to display their ideas and turn them into successful businesses. Smart India Hackathon, transforming country's technological landscape to realize the vision of Viksit Bharat at 2047. Mitra bhi mananiya Pradhan Mantri ji ki sambad desh ki 5 sthan pe hone wala hai. इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर कर्नाटक से दो मेरे विद्यार्थी मित्र श्री शौकत दास और कार्तिक नारायण को इनवाइट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करने के लिए. नमस्ते फ्रेंड्स. नमस्कार प्रिय प्रधानमंत्री. आप सभी यंग इनोवेटर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स के साथ बात करने का मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था. मैंने दिन में भी अपनी टीम से आपके बारे में कई बार अपडेट लिया है. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन सीखने का अवसर मुझे भी मिलता है. इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा हो आपसे संवाद जरूर करूं. आज भी आप सुबह से ही जुटे हैं, इसके बावजूद आपके चेहरे पर एक ताजगी है, एक उत्साह है. यही ताजगी, यही उत्साह, यही आत्मविश्वास नेशन बिल्डिंग की इच्छा शक्ति आज भारत की युवा शक्ति की पहचान बन चुकी है. मैं अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं. तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं,
Sir, I am Shoikot Dash. I am from Bangladesh and I am studying in NIT3C and I'm representing and leading the team Ferrite Code. अच्छा मुझे बताया गया है कि इस सेंटर की टीम रेलवे कार्गो के लिए IoT बेस्ड सिस्टम बना रही है. आपके साथ yes, बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स हैं. क्या आप मुझे अपने इस इनोवेशन के बारे में कुछ समझा सकते हैं? सर, सो what happens is that India has the fourth largest railway network in the world, sir. Or around 70-80% of all the coal in India is being transported through these railway networks. So because of that, underloading and overloading happens. That is, the train wagons is not being filled till the appropriate level. They are filled very low or they are filled too much. Bahut fill kiya to the government will have to pay fine to the railways and बहुत कम फिल किया तो देर ओन द कॉस्ट विल नॉट बी कवर्ड वी वॉन्ट गेट प्रॉपर लाइक प्रॉपर वॉन्ट बी प्रॉपरली सोल्ड सो वील हैव टू फाइंड आउट वेज टू मेजर द वेट ऑफ द ट्रेन एंड रीच द प्रॉपर लेवल सो वी आर यूजिंग IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज बाई यूजिंग ESP32 माइक्रो कंट्रोलर्स और रास्पबेरी पाई मॉड्यूल्स वी यूज दीज टू मेजर द वेट ऑफ द वैगन्स keep track of all these weights and to take appropriate actions based on these weights. And we'll also use 3D scanning techniques and to like have a 3D model of the wagon and use artificial intelligence to predict the weight, so that this will be a much faster way. Aapke team mein kitne member kaam kar rahe the? Sir, we are 6 members. 3 are from Bangladesh and 3 are others from India. Different parts of India, sir. Three are from Bangladesh. Yes, sir. Who is there anyone else who want to talk to with me? Yes, sir. Sir, मैं शोइकोत दास हूँ. मैं बांग्लादेश से हूँ and NIT3C में undergraduate कर रहा हूँ. And sir, first I want to give a appreciate of your initiative that Viksit Bharat. I love it. I really love this idea. It's a great idea. I submitted my idea to make India like the developed nation by 2047. Sir, our problem statement has been given by the Ministry of Coal, and the title is predicting like preventing the overloading and underloading of railway wagons, sir. अच्छा, मुझे विश्वास है आपके प्रयास से भारतीय रेलवे को बहुत फायदा होगा. इस समय भारतीय रेल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है. केंद्र सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है. हमारा बहुत बड़ा फोकस लॉजिस्टिक पर भी है. ऐसे में आपका इनोवेशन बहुत मददगार होगा. मुझे आपकी टीम में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को देखकर भी अच्छा लगा. हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी टैलेंटेड फॉरेन स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए भारत आए. जो फॉरेन स्टूडेंट्स भारत आकर अपनी हायर एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं उनकी मदद के लिए हमने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. आइए, अगला ग्रुप कहाँ से है? अगला माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला ग्रुप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से है. मित्र आदरणीय हर्षिता और जेथुआ, ये दोनों बात करेंगे. नमस्ते. नमस्ते सर, केम छो? आपने एवा नेवा हाँ बताइए सर. हमारी टीम एजेप्ट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से है. हमारी टीम का नाम है हाइब्रिड सिक्योरिटी. हमारी टीम के लीडर है पार्थ. हमारी टीम में है धार्मिक, जय, आयुष एंड जीत. हमारी टीम इसरो बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जय देंगे. नमस्कार सर. नमस्कार. सो हम लोग
हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो है कि इसरो का जो मून लैंडर है वो जैसे कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ था वो बहुत सक्सेसफुली लैंड हुआ था। सो हमें इसरो ने जो अभी इमेजेस प्रोवाइड की है वो है मध्यम रिजोल्यूशन वाली। सो वो इमेजेस को हम सुपर रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे इमेज प्रोसेसिंग और AI की मदद से। सो वो जो इमेजेस हमें मिलेगी उस इमेज से हम हजार्ड मैप बनाएंगे, मतलब कि जो मून पे क्रेट्स है, क्रेटर्स है और बोल्डर्स है वो सब कहाँ पे है और उसके हिसाब से हम कहाँ पे सेफ लैंडिंग कर सकते हैं वो मिलेगा हमें। और वो दोनों चीज़ों से हमें मिलेगा कि जो नेविगेशन पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे कि हमारा अर्थ से मून तक का जो पाथ है वो प्रोवाइड होगा कि कहाँ हम सेफली लैंड कर सके। सो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट है और हम SIH और इंडिया को थैंक यू कहना चाहते हैं ये चीज़ के लिए। आप लोग वहाँ कभी इसरो के लोगों से मिलने गए, इसरो में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनसे कभी चर्चा की इस विषय में, उनसे कोई गाइडेंस लिया, ऐसा कोई प्रयास किया क्या? सर एक बार मैं छोटा तब गया था इसरो पे और तब मैंने ये चीज़ें जानी थी यहाँ की और उसकी वजह से बहुत अच्छा फील हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ID में है तो हमें लगा कि क्यों ना यही हम ले चूज करें। देखिए जो स्टार्टअप वाले हैं, जरा आप एक बार ऑनलाइन जाएंगे तो काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो आजकल स्पेस में काम कर रहे हैं। जी सर, अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके नए नए आइडियाज़ वो इंक्यूबेशन और बाद में स्टार्टअप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। जी सर। और आप तो जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आज पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जी सर। चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर लैंड कराया। ये सफलता सिर्फ इतनी नहीं है, इसने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया है। दुनिया में ये भाव और सशक्त हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है। आप जैसे अनेक युवा साथी जो देश के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन टाइम पीरियड है। स्पेस टेक आधारित इकोनॉमी के लिए आने वाले दशक बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें भारत अग्रणी देशों में हो इसलिए हमने बीते 10 वर्षों में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। युवा शक्ति को अधिक अवसर देने के लिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। हमने इसरो की फैसिलिटीज को युवा स्टार्टअप्स के लिए ओपन किया है। आज इन स्पेस जैसे संस्थान हमारे पास, और मैं आपको चाहूँगा कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर वहीं है, आप जरूर एक बार उन लोगों से भी मिलिए। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पेस साइंस तक सीमित नहीं है, इससे रोजमर्रा की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए स्पेस में जिसको महारत है वो निश्चित रूप से दूसरी टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट रो में रहने वाले हैं। चलिए मेरी आप सबको शुभकामनाएं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? अभी अभी मीरा सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संबलपुर उड़ीसा के आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। जय जगन्नाथ सर। नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ जय जगन्नाथ सर। बताइए सर, मैं कुछ बताऊं अपने बारे में। इससे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा ये प्लेटफॉर्म हम तक पहुँचाने के लिए, जिससे हम अपने आइडियाज़ पूरे नेशंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सर मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। मैं अपने कॉलेज गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ की एक टीम, हमारी टीम आर्कस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे टीम के मेम्बर्स हैं अंकित, अध्यक्षा, दीप्ति, अनीश एंड देवाशीष। अच्छा, इस सेंटर पर टीमें बहुत से इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं।
यस सर। आप लोगों ने किन चीजों पर बल दिया है? सर हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, स्पेशली बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर, और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था। मैंने मेनली बच्चों की मेंटल हेल्थ पर। यस सर। हाँ सर, हमने मेंटल हेल्थ को, बच्चों के मेंटल हेल्थ को ट्रैक करके, उसे एनालाइज करके एक सब, मतलब एक ऐसे रेटिंग बनाया है जिससे कि पेरेंट्स और डॉक्टर्स को पता चले कि बच्चे के मेंटल हेल्थ किस तरह है, और कुछ बुरा होने से पहले ही उन्हें सूचना मिल जाए जैसे कि वो सही कदम उठा पाएं। सर आपने इसके लिए AI वगैरह का तो उपयोग किया होगा, लेकिन क्या फिजिकली इस प्रकार से बच्चों से बातचीत, उनका कोई टेस्टिंग ये सब किया है क्या? सर हमारे जो एप्लीकेशन, जो सॉल्यूशन रहेगा, उसमें पेरेंट्स से भी कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि बच्चों के व्यवहार, खाने पीने के तरीके, खेलने के तरीके। सो इससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी जिससे हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। अच्छा, इतनी तीन बेटियां भी इसकी आपकी टीम में हैं, कोई बेटी कुछ बताना चाहेगी? नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से, मतलब एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, जैसे कि ये हम AI यूज़ कर रहे हैं इस, मतलब ये जो एप्लीकेशन में, और इससे हम वो जो भी, मतलब वो बच्चा होगा उसको हम, मतलब वो हमारा AI जो होगा उसको यूज़ करके हम एक सेफ्टी रेटिंग जनरेट कर रहे हैं 1 से 10 के बीच। तो अगर 5 से 10 तक अगर हमारा वो रेटिंग जनरेट होता है तो हम बस पेरेंट्स को एक मतलब नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट करेंगे कि आपका बच्चा, मतलब कुछ, मतलब कुछ तो, मतलब उसका जो व्यवहार है उसमें कुछ तो है, तो आप ज़रा ध्यान रखिए। अगर 5 से कम है तो हम, हमारे जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें हम मेंटर सपोर्ट और जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेरेंट्स को रिकमेंड करने वाले हैं कि आप, मतलब अपने बच्चों को, मतलब थोड़ा वो गाइड करेंगे। तो ये होने से, मतलब काफ़ी वो पेरेंट्स को, उन बच्चों को और एक्सपर्ट्स को भी, मतलब बहुत अच्छा एक ब्रिज बन जाएगी उन लोगों के बीच, तो वो उपकृत होंगे इस चीज़ के बारे में। बहुत बहुत बधाई हो, आपका ये प्रॉब्लम एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय के भी ऐसी टीम्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, और ये पता लगाना चाहिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपने स्कूल और कॉलेज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के नौजवानों का मानसिक विकास उतना ही मजबूत हो। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि आपने विकसित भारत के लिए अपने आइडिया शेयर किए हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने भी माई गॉव पर एक विशेष पोर्टल बनाया है, मेरा युवा भारत, यानी माई भारत। माई भारत नाम से एक और संगठन का निर्माण हुआ है जो देश की युवा शक्ति को दिशा देने का काम कर रहा है। आप भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आइए, अगली टीम कहाँ से है? अगली टीम आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से है। अभी AI टूल के माध्यम से, भाषिणी टूल के माध्यम से आदरणीय रेशमा माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। पहली बार हम भाषिणी टूल को इस प्रकार के संवाद में यूज करेंगे। वणक्कम। Thank you.
Welcome, sir. I am Reshma Mashuda from NADA Saraswati College of Engineering and Technology, Tamil Nadu. From Tamil Nadu, Theni. आप सबका स्वागत है. जरा अपने बारे में और अपनी टीम ने क्या काम किया जरा बताइए. देखिए, आप गुवाहाटी में आई टीम्स दक्षिण भारत से कई घंटों की यात्रा के बाद आप गुवाहाटी पहुंची है. आप सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के एम्बेसडर है. आप मुझे अपनी टीम के बारे में बताएं और आप किस प्रॉब्लम एरिया पर काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं. इसकी जानकारी भी दे. Okay, sir. I am representing the team Innovation Squad. I am working with six of my teammates, Navin Bharati, Rubini, Sophia, myself Reshma, Vigneshwar, and Ashwin. And our problem statement is AI-based generative design of hydropower plant. We are going to give a generative design of components of hydropower plant. Our main motive is to get a input from the users through our web application. Based on that input, we are going to generate a generative design of components of the hydropower plant. It will be very helpful to India become a self-reliant in energy, and it will reduce the dependency of the fossil fuel. We are using AI in backend, sir. Please go ahead. Okay, so we are using AI to generate our, to train our data set in Bracken, sir. We also went for a field visit, Mullai Periyar Dam. On that hydropower plant, we collect some information about the components that are present in the hydropower plant. It is very helpful to develop our project. We gathered some data sets from that hydropower plant, and we are using that in our website, and it is integrated with the AI algorithms to generate a 2D design of the components of the hydropower plant, sir. आप जिस solution के लिए काम कर रहे हैं वो विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Power sector और artificial intelligence, ये दोनों भारत के फ्यूचर को शेप करने के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के रास्ते हमें खोजने ही होंगे. पावर प्रोडक्शन के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन और कंजम्पशन की मॉनिटरिंग, इसमें भी एफिशिएंसी की बहुत अधिक जरूरत है. इसमें AI बेस्ड सॉल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस तरफ भी आपको जरूर सोचना चाहिए. बीते सालों में हमने हर गांव, हर परिवार तक बिजली पहुंचाने के लिए काम किया. अब हम खेतों में छोटे छोटे सोलर प्लांट्स हो, शहरों में रूफटॉप सोलर प्लांट्स हो, इस व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. इससे जुड़ी एफिशिएंट सॉल्यूशंस पर भी युवा साथियों को जरूर काम करना चाहिए. वैसे मैं दक्षिण भारत से आए विद्यार्थियों से ये भी कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट आए हैं तो इस हैकेथॉन के बाद ज्यादा से ज्यादा घूमने की भी कोशिश करें. नॉर्थ ईस्ट के लोग आपसे बहुत गर्मजोशी से मिलेंगे. मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आपको
नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मानता हूं कि एआई का ये प्रयोग जरूर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। रियली वेरी थैंक यू सर। चलिए अब अगले सेंटर की तरफ चलते हैं। आप सबको वणक्कम। अभी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के मित्र ऋषभ एस विश्वामित्र माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। इट इज एन ऑनर एंड अ ग्रेट प्लेजर टू प्रेजेंट यू अ सॉल्यूशन फॉर डिटेक्टिंग फिशिंग डोमेन्स using artificial intelligence and machine learning, which we have done according to the problem statement provided by the NTRO. So, I am Rishabh Vishwamitra. We are from Dayanand Sagar College of Engineering, Bengaluru. These are my teammates, Ashman, Anuj, Reema, Nanjunda, and Srinidhi. I am pursuing computer science and engineering, while my teammates are pursuing electronics and telecommunication, biotechnology and computer science respectively. So phishing attacks are the most common form of cybersecurity attacks, where a person pretends to be a trustworthy entity and tries to extract sensitive and valuable information from the user. This is not something just the common man has to deal with, but also big companies. The current existing approaches to deal with this are methods like the blacklist approach, the rule-based method, and website signature-based approach. All of these are very single-dimensional and cannot keep up with the ever-evolving phishing attacks. That is why we have combined all these three methods using machine learning to harness the power of AI to continually learn from the phishing attack patterns. So we are well equipped to deal with future phishing attacks. Rishabh, आप लोग तो जानते हैं कि ये बड़ा डायनेमिक क्षेत्र है। आप एक सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये बेईमानी करने वाले लोग दूसरा रास्ता खोजेंगे, आप दूसरा रास्ते पर काम करेंगे तो तीसरा रास्ता खोलेंगे, और इसलिए ये चोर सिपाही की लड़ाई जैसा एक लगातार नए नए इनोवेशंस करने पड़ते हैं, और उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें बहुत सतर्क रहना होता है। अगर इनका नियमों से इस्तेमाल हो तो ये बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो इससे बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आप सब जनरेटिव एआई से बन रहे डीप फेक वीडियोस के बारे में जानते हैं, जो एकदम देखने वाले को एकदम असली दिखते हैं। इसलिए हमें किसी भी वीडियो या फोटो पर विश्वास करने से पहले अधिक सतर्क होने की जरूरत है। भारत एआई को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दे रहा है, और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा नया चुनौती है। आप जैसे नौजवान जो इसमें काम कर रहे हैं वो जरूर आगे भी काम करते रहें। फ्रेंड्स, वाकई आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकेथॉन्स हुए उनसे मिले सॉल्यूशंस बहुत कारगर रहे हैं। हैकेथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं। ये स्टार्टअप्स, ये सॉल्यूशंस सरकार और समाज दोनों की ही मदद कर रहे हैं। ये आज इस हैकाथॉन में शामिल हुई टीमों, हजारों स्टूडेंट्स के लिए भी
बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। आज भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कोरोना के महासंकट के दौरान भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। भारत ने अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन भी की प्रक्रिया भी पूरी की और दुनिया के दर्जनों देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, आज यहां यंग इनोवेटर्स और अलग अलग डोमेन्स के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। आप सभी समय का महत्व समझते हैं, तय समय में लक्ष्यों तक पहुंचने का मतलब समझते हैं। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आप इस यूनिक टाइम को समझे। ये समय यूनिक इसलिए है क्योंकि कई फैक्टर्स एक साथ आए हैं। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। साथियों, ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है। हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा। स्थिति ये है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी तरह सहज भी नहीं हो सके तब तक उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। इसलिए आप जैसे यंग इनोवेटर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज़ादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल देश के साथ आपकी लाइफ को भी ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवन पूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने? आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। अब जैसे डिफेंस सेक्टर है, आज भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह
अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को लेकर भी भारत की एस्पिरेशन बहुत हाई है। सरकार ऐसे सभी सेक्टर्स पर विशेष फोकस कर रही है, 21वीं सदी का आधुनिक सिस्टम बना रही है, लेकिन इसकी सफलता आप युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें आप जैसे यंग माइंड्स पर टिकी है। दुनिया को विश्वास है कि भारत में उसे ग्लोबल चैलेंजेस का लो कॉस्ट, क्वालिटी, सस्टेनेबल और स्केलेबल सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे चंद्रयान मिशन ने विश्व की उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्टर्स में नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है। आपको देश की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिशा तय करनी है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का लक्ष्य देश की समस्याओं का समाधान और समाधान से रोजगार का निर्माण, एक ऐसे चेन को चला रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से देश की युवा शक्ति विकसित भारत के लिए समाधान का अमृत निकाल रही है। मुझे आप सभी पर, देश की युवा शक्ति पर अटूट भरोसा है। आप कोई भी समस्या देखें, कोई भी समाधान ढूंढें, कोई भी इनोवेशन करें, आपको विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसे हमेशा याद रखना है। आप जो भी करें वो बेस्ट हो। आप ऐसा काम करना है कि दुनिया आपको फॉलो करें। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।